वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड मेकअप ऑन सेकंड विद योर सनी। तो आज मैं आपके साथ एक कलरवर की न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। या दिस इज़ द प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड कलरवर इंटेंसली रिच काजल। आई हैव टू बिकॉज मैंने इसे स्टोर से परचेस किया था कलरवर का, मैं ऑनलाइन इसे परचेस नहीं किया। मैंने लिया था बाई वन गेट वन ऑफर, अमेजिंग ऑफर था। 170 रुपीज़ की ये काजल है, आप देख सकते हो शायद। या दिस इज़ द 170 रुपीज़ की इंटेंसली रिच काजल है। मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड इसको अभी तक मैंने हाथ नहीं दिया, क्योंकि एक टाइम तो एक ही यूज़ करेंगे, राइट? तो अभी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी इंटेंस डार्क लॉन्ग लास्टिंग स्मच प्रूफ ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो ना, तो आई थिंक आप एक बार इसे ट्राई करो, क्योंकि 170 रुपीज़ में आई हैव ट्राइड आई मीन एवरीथिंग। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो बहुत सारा काजल, आईलाइनर, पेंसिल, क्योंकि मुझे आईलाइनर पहनना बहुत 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 पसंद है। फेसेस कलरवर लोटस एंड पैक, आई मीन एवरीथिंग आई हैव ट्राइड। सबसे ज़्यादा प्यारा था मुझे, बहुत लॉन्ग टाइम तक मैंने यूज़ किया, अभी भी है मेरे पास लैक में आइकॉनिक काजल, जिसका रिव्यू भी आपके पास जा चुकी है, कंपेरिजन भी जा चुकी है। मेबेलिन कोलोसल उसका भी दो है, जो नॉर्मल वाला एक सुपर ब्लैक वाला, सब कुछ आई हैव ट्राइड। और कलर बार का भी जो स्मर्जी स्मोकी जो आई वाला है उसे भी मैंने ट्राई किया, अमेजिंग है। आई मीन ये जो काजल्स है ऑल आर वेरी गुड, बट ये जो 170 रुपीज़ में मुझे अभी जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट मिले ना, मुझे पता नहीं क्यों आई रियली 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 लाइक इट। आई मीन डेफिनेटली कलर बार का सभी प्रोडक्ट ब्यूटीफुली होती है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वन स्ट्रोक दिखाती, तो आप सिर्फ वन स्ट्रोक में देखो इसका, इतना ब्यूटीफुल, इतना डार्क इंटेंस आपको देगी, क्रीमी टाइप का लगेगा, कोई भी आई इरिटेशन कुछ भी नहीं है। राइट नाउ मैं इसे ही पहन के रखी हूँ, मैं इसके ऊपर ही डबल अप कर रही हूँ, आप देखो। और मैं लेंस पहन के करती हूँ तो भी कुछ नहीं होती है, इसलिए आप अगर आपके आंखों में अगर स्पेक्स है, आप लेंस पहनते हो, बेफिक्र होकर आप यूज़ करो, ये कोई भी एडवर्स रिएक्शन आपको नहीं देने वाली है आईज में। मैं आपको खुद दिखा दिया लेंस पहनते हुए, ठीक है? तो ये है, ये था वन स्ट्रोक में। अगर मैं इसे 2 या 3 times करूं, तो आप जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल डार्क इट इज़ एंड इट्स क्रीमी। बट आपको अपर, जैसे मैं ये लीड में इसे ही लगाया, आप लीड में जब लगाओगे ना, एक बार लगाने के साथ साथ ही इसको कंप्लीट करनी है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एंड क्विक ड्राई नहीं बोलूँगी, बट हाँ एक मॉडरेट टाइम में होती है, स्लोली, बहुत भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है। आई मीन एप्लीकेशन टाइम में आपको क्रीमी लगेगी, बट इसके ऊपर अगर आपको 2 times 3 times एक्चुअल कुछ लुक ऐसे क्रिएट करनी है, तो यू हैव टू डू लिटिल बिट फास्ट, अदरवाइज इट विल बी लिटिल बिट ड्राइड एंड देन आपको ना इसके ऊपर से कुछ बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ्लेक्स भी हो सकती है, बिकॉज आप जैसे कि लाइनर, एक बहुत ही मैट फिनिश एक आप लाइनर यूज़ करो, तो उसको जल्दी जल्दी लगानी होती है, अदरवाइज वो सूख जाए ना, उसके ऊपर आप कुछ करोगे तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, राइट? तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप इसे जितना हो सके जल्दी इसके ऊपर आई मेकअप आपका कंप्लीट कर लीजिएगा। वाटर लाइन, टाइट लाइन, अपर लिड कहीं पे भी लगाओ, और इसके साथ आप स्मोकीनेस भी थोड़ा क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं लोअर लैश में थोड़ा करती हूँ। आई मीन इट्स अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट। आपको अभी ये डील मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट ये अवेलेबल है नायका में, अमेजन में भी आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द इंटेंसली रिच काजल। मैं अगर इसके बारे में थोड़ा भी बता दूँ, इसमें आउटर कटन में क्या लिखा है, इसका रिव्यू और स्वच्छ तो मैंने दिखा दिया, एंड लॉन्ग लास्टिंग अप टू 12 hours, प्योर ब्लैक कलर ऑब्वियसली, एंड वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, ट्रांसफर रेजिस्टेंट। मैं थोड़ी देर बाद इसको रब करके दिखाऊंगी इस स्मच प्रूफ और नॉट, इसलिए मैंने पहले स्वच्छ दिखा दिया। एंड ऑप्थैलोमैजिकली टेस्टेड, जैसे मैंने वो भी आपको प्रूफ दे दिया, तो इसमें आपको कोई नहीं है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा हॉलमार्क जो है, 170 रुपीज़ है ओनली। इसके साथ यू कैन मेक सेक्सी आइज, विंग्ड आइज, कैट आइज, यहाँ पे डिफरेंट आइज की आपको शो किया गया है, आपका जो पसंद है आप इसके साथ बना सकते हो। हाइपर पिगमेंटेड काजल, वेरी ब्लैक, लॉन्ग वेयरिंग, वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, मॉइस्चराइजिंग इन्ग्रीडियंट्स है इसमें, एंड या लॉन्ग लास्टिंग होती है थ्रू आउट द डे, है पैराबेन नहीं है शायद, या इसमें पैराफिन है, ओके, एंड सनफ्लावर सीड ऑयल है, इसलिए आपको थोड़ा क्रीमी लगेगा, एंड बीज वैक्स है, और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशंस है, 0.30 ग्राम से इसका क्वांटिटी, एंड इसका शेल्फ लाइफ है 3 years, और इसमें 100% वेगन है, वाटरप्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली ऑप्थैलोमॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, और इसमें मुझे कहीं पे भी मिनरल ऑयल, पैराबेन ये सब कुछ नज़र नहीं आया,
जो है पैराफिन है, ठीक है। आप इसके साइड में भी जाके देख सकते हो। तो दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। अब मैं इसको दिखाऊंगी, ये वाला मैंने पहले किया था, पूरा ड्राई नहीं हुई है, अगर ड्राई हो जाए तो इस स्मज नहीं होगी। ओके ये वाला थोड़ा थोड़ा अभी आ रही है, बट यू हैव टू वेट 5 to 10 minutes, थोड़ा सा 10 minutes टाइम देना पड़ेगा, देन इट विल बी स्मज प्रूफ। मैं जैसे इसे भी करती हूँ तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ोगे, आपको ये लगेगी थी आ रही है, बट फिर भी देखिए कलर पूरा नहीं जा रही है। इट मीन्स के ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ 100% नहीं है। आप बहुत ज़्यादा वाटर में रहोगे तो ये निकल आ सकती है, लेकिन एकदम से टोटली वैनिश नहीं हो जाएगी, कुछ टिंट आपके रहेगी। आपका अगर सपोज कुछ कारण आई वाटरी हो गई है, आप सोचोगे अरे मेरा ये तो फैल जाएगा, तो फैलेगा नहीं, थोड़ा सा लाइट होगी, बट ये रहेगा। 10 minutes यू विल सी द रिजल्ट, आपका ये बिल्कुल स्मज प्रूफ बन जाएगा। जैसे कि मैं पहन के रखी हूँ, इट्स टोटली स्मज प्रूफ, लेकिन वाटर प्रूफ 100% नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये था नया लॉन्च कलरबर का। आप चाहे लॉरियल फेसेस कलरबर का भी दूसरा कुछ प्रोडक्ट्स और लोटस, सभी का काजल बहुत ही बेहतर है, आप ट्राई कर सकते हो। स्टे क्वेयर की पर्पल का भी है मेरे चैनल में रिव्यू, आप उसे भी दे सकते हो, वहाँ पे भी कम प्राइस में मिल सकती है आपको। लेकिन कलरबर का मुझे इसी रेंज में ये वाला बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन स्मज प्रूफ होने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और ये 100% वाटर प्रूफ नहीं है। अदरवाइज यू कैन ट्राई दिस।